हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। ये वीडियो है हमारा टाइप्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट। जी हाँ, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले सारे कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है रबर बेल्ट कन्वेयर। जी हाँ, सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कन्वेयर बेल्ट है ये। इस टाइप का कन्वेयर बेल्ट हर इंडस्ट्रीज में, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे स्पंज आयरन हो, या वो किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रीज हो, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है और सबसे लंबा यही होता है। सेकेंड है, ये है मॉडुलर कन्वेयर। मॉडुलर कन्वेयर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये 90 डिग्री में बेंड हो जाता है, उसके बावजूद ये अपने मटेरियल को कन्वे करता है। ये असेंबली पॉइंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, असेंबली पॉइंट प्रोडक्शन लाइंस में यूज किया जाता है इसको। और ये जो कन्वेयर है, इसका बेल्ट जो है वो खास तरह के प्लास्टिक लिंक से बना होता है। ये है पीवीसी कन्वेयर। पीवीसी कन्वेयर स्ट्रेट्स होते हैं और ये भी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जहाँ पर मटेरियल को सीधा अपने को ट्रांसफर या कन्वे करना होता है। ये है स्टेनलेस स्टील मेटल मैश कन्वेयर। ये कन्वेयर फूड प्रोसेसिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसकी खासियत ये है कि ये इसमें रश नहीं लगता, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है। ये है आपका वर्टिकल वेव कन्वेयर बेल्ट वॉल स्टैंड। ऐसे कन्वेयर बेल्ट को ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर इंक्लिनेशन ज़्यादा हो, या जहाँ पर हमें ज़्यादा मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है, ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं। ये है चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट। चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट का भी सेम वही काम है, ज़्यादा इंक्लिनेशन होने पर उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रिप बने होते हैं और वो जो है वो मटेरियल को स्पिलेज से बचाते हैं, वापस लुढ़कने से बचाते हैं। ये है साइड वॉल स्कर्ट कन्वेयर। साइड वॉल स्कर्ट कन्वेयर जो है वो ऐसे जगह में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर मटेरियल जो है वो थोड़ा सा एक्सेस में हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। इस कन्वेयर बेल्ट के दोनों कॉर्नर्स पर अलग से स्कर्ट इस पे खुद होता है, डेवलप किया जाता है एक वॉल हल्का सा, जो कि मटेरियल को स्पिलेज होने से बचाता है, और इसमें ग्रिप भी होता है। ये है आपका रोलर कन्वेयर। जी हाँ, ऐसे कन्वेयर जिसमें बेल्ट की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ रोलर्स एक साथ लगे होते हैं। ऐसे कन्वेयर को सबसे ज़्यादा ऐसे जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हॉट मटेरियल को ट्रांसफ़र करना होता है, उसके अलावा बाकी प्रोडक्शन लाइन में पैक। और लास्ट है आपका मैग्नेटिक टाइमिंग कन्वेयर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से टेक्निकल और इंडस्ट्रियल फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।